यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए जो अविवाहित हैं। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 8 फरवरी से ही शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 मार्च 2024 है। तो जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए इच्छुक है, वे इसके आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों से क्या आवेदन शुल्क लिए जाएंगे। तो जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन्हें आवेदन शुल्क के रूप में ₹550 देने होंगे। ये शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा होगा। इस भर्ती के लिए यदि बात करें उम्मीदवारों के शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो पद के मुताबिक यहाँ 8वीं, 10वीं और 12वीं व ITI पास होने जरूरी है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 17 वर्ष और 6 महीने होने चाहिए। वहीं अधिकतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। जिन उम्मीदवारों की उम्र सीमा कम या अधिक होगी, उन्हें इस भर्ती के लिए नहीं लिया जाएगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं इस भर्ती के लिए चयनित उम्मीदवारों को क्या वेतन दिए जाएंगे। तो जो भी उम्मीदवार इस पद के लिए चयनित होंगे, उन्हें इन हैंड सैलरी ₹1,000 दिए जाएंगे, जो हर साल बढ़ेंगे। 4 साल बाद जब आप अपने नौकरी को छोड़ेंगे, तो आपको सेवानिधि पैकेज के रूप में ₹10,04,000 दिए जाएंगे। चलिए अब हम आपको बताते हैं इस भर्ती के लिए क्या चयन प्रक्रिया होने वाली है। तो इस भर्ती के लिए सबसे पहले आपको कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। ये परीक्षा ऑनलाइन तरीके से आयोजित होगी। उसके बाद आपको शारीरिक परीक्षा देनी होगी। इन सभी परीक्षाओं को पास करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल टेस्ट और आखिर में मेरिट लिस्ट में आपका चयन होगा। इन सभी परीक्षाओं को पास करना आपके लिए जरूरी होगा। इन परीक्षाओं के दौरान जरूरी दस्तावेजों के रूप में आधार कार्ड, 10वीं के सर्टिफिकेट, लेटेस्ट फोटो, आधार से लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर, एक्टिव ईमेल ID, क्वालिफाइंग कोर्स की मार्कशीट और एड्रेस डिटेल देना जरूरी होगा। चलिए आखिरी में हम जानते हैं इस भर्ती के लिए उम्मीदवार अपना आवेदन कैसे करेंगे। आवेदन करने से पहले इसके अधिसूचना को एक बार जरूर पढ़ लें, ताकि भर्ती से संबंधित आपको विस्तार से जानकारी मिल सके। नोटिफिकेशन लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उसके बाद इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इसके होम पेज पर आने के बाद आपको JCO और अग्निवीर इनरोलमेंट वाले सेक्शन में अग्निवीर अप्लाई या लॉगिन के लिंक पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही अग्निवीर लॉगिन का पेज खुल जाएगा। इसके बाद इसके रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना होगा। फॉर्म भरने के बाद आपके आवेदन शुल्क को जमा करें, फिर फॉर्म को सबमिट कर दें और इसके प्रिंट को निकाल कर अपने पास रख लें। आपके आवेदन पूरे हो जाएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।